हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SRS मोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताने वाले हैं कि बात करते समय ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, उसको कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे चालू किया जाता है, और जिसका चालू है उनका क्यों नहीं हो रहा है। तो आइए दोस्तों, चले पहले चलते हैं फ़ोन में। फ़ोन में क्लिक करें आप, और क्लिक करने के बाद जो सबसे दाएं साइड में ऊपर दिया है कॉर्नर में 3 डॉट, उस पर क्लिक करें। वो ये है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेटिंग ओपन करें। सेटिंग ओपन करने के बाद तीसरे नंबर पे दिया हुआ है कॉल रिकॉर्डर, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसमें दूसरे नंबर पे दिया हुआ है कॉल ऑटो कॉल रिकॉर्डर, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे इनेबल कर दें। अगर आपका पहले से बंद है तो इस पे, मेरा तो पहले से इनेबल है यानी कि चालू है, और आपको पहले से नहीं है तो आप ऑन कर लें। और अगर ऑन है फिर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो दूसरी चीज़ के इसमें ट्रू कॉल होता है सब में अक्सर, और ट्रू कॉल में जाने के बाद एक छोटी सी सेटिंग होती है, छोटी सी सेटिंग को अनेबल कर लें। आप ट्रू कॉल में जाके सेटिंग ओपन करें, ट्रू कॉल का सेटिंग, और उसके बाद सिंपली आप आएँ कॉलर आईडी में। कॉलर आईडी में आपको यहाँ दिखाई देगा, इसको ओपन करें। उसके बाद सिंपली आपका जहाँ भी हो इसको क्लासिक वाले पे ओपन कर दें, क्लिक कर दें, यानी कि यहाँ। उसके बाद ये अब आपका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको ढूंढना है कि आपका कॉल रिकॉर्डर कहाँ जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप जाएं फाइल में। फाइल में जाने के बाद इसमें सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद कॉल नाम से फोल्डर होगा जो कि आपको ढूंढना होगा, जो कि ये रहा, इसमें दिखाई देगा कि आपका जो भी रिकॉर्ड हुआ है। दूसरा तरीका है जानने का इसमें कि जहाँ भी आप बात कर रहे हैं उससे बात करते समय वहीं पे ऑप्शन देगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने बात किया जिनसे, जैसे कि मैं डायल कर देता हूँ 1 2 3, इसको मैं डायल कर रहा हूँ। डायल करने के बाद अब मुझे सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करें राइट साइड में, यानी कि जहाँ डेट दिखा रहा है, समय दिखा रहा है, उसके बाद ऑप्शन यहाँ पे दें। उसके बाद ये रिकॉर्ड दिखाने लगेगा, उसके बाद इसको क्लिक करें म्यूट माइक पे और यहाँ पे प्ले कर दें। इसी तरह से आप रिकॉर्ड सुन सकते हैं, यानी कि आप पूरे उस नंबर को डायल करके सर्च कर सकते हैं कि ये कब इनसे बात हुई थी और कब उनका रिकॉर्ड किस तारीख का है, अपडेट बाय डेट देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं, यहां पे ऑप्शन दें, जैसे कि मैंने यहां पे दिखा रखा, डायल कर रखा है टुडे 12:24 पीएम पे 7 सेकंड मैंने बात किया था। इससे पहले मैंने 7 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को 7:59 पे पीएम पे मैंने कॉल लगाया था, और 45 सेकंड मैंने उनके पास रिसीव हुआ था। हाँ, ध्यान दें दोस्तों कि आप जब इसको ऑन करेंगे तो अगला बंदा जब फ़ोन रिसीव कर लेगा तभी कॉल रिकॉर्ड होगा, या आपके पास कोई कॉल कर रहा है तो आप जब रिसीव कर लेंगे तभी कॉल रिकॉर्ड और होगा, उससे पहले नहीं होगा। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।